Hello everyone, today we shall study the practice set 28, standard 6. Question number 1 and 2 हमने सॉल्व कर चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, रीमा हैज़ 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स. मतलब रीमा के पास 24 नोटबुक्स हैं एंड 18 बुक्स हैं, तो आपको रेशियो फाइंड करना है नोटबुक्स टू बुक्स. मतलब नोटबुक से, नोटबुक का जो जितना आपको क्वांटिटी दिया है वो ऊपर रहेगी एंड बुक्स की नीचे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर्स ऑफ नोटबुक्स. Numbers of notebooks. Notebooks कितने हैं रीमा के पास? 24. And number of books. And books कितने हैं उसके पास? 18. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. द रेशियो ऑफ नोट्स बुक टू बुक. Therefore the ratio of notebooks to books is equal to number of notebooks upon number of books. ठीक है, therefore आपका number of notebooks कितना है? 24. तो आप लिखोगे यहाँ पे 24 upon number of books कितने हैं? 18. तो यहाँ पे लिखा मैंने 18. आपको क्या फाइंड करना है? इसका रेशियो. तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? 24 अपॉन 18. आपको देखना है कि ये दोनों किसके टेबल में एक साथ आते हैं, तो 6. तो फिर अगर हम जिस नंबर से इसे ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे. 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 4 बार में. एंड 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 3. तो आपका आंसर हो जाएगा 4:3. सो आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो द ratio of notebooks to books is equal to 4:3 or 4:3. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका रेशियो हमने फाइंड कर लिया 4:3. नाउ अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड. मतलब कि 30 क्रिकेट के प्लेयर्स हैं और 20 खो खो के प्लेयर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है फील्ड में. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द नंबर टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर. तो आपको रेशियो निकालना है क्रिकेट प्लेयर्स का टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स के साथ. तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि कितने लोगों की ट्रेनिंग हो रही है फील्ड में. सो यहाँ हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर. क्रिकेट के प्लेयर्स कितने हैं? 30. एंड नंबर्स ऑफ खो खो प्लेयर्स वो कितने हैं? 20. सो अगर हमें टोटल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तभी तो हमें टोटल पता चलेगा कितने लोगों की ट्रेनिंग चल रही है फील्ड में. देयरफॉर टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स
प्लस नंबर्स ऑफ खो खो प्लेयर्स। नाउ क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं? 30 एंड प्लस खो खो प्लेयर्स हैं 20, तो हमें मिल गए 50 प्लेयर्स। मतलब टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने मिल गए? 50। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू, हमें रेशियो किसके बीच में फाइंड करना था? क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में एंड टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर। तो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं? 30। यहाँ पे आप एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, जो रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, नाउ क्रिकेट प्लेयर्स हैं 30 और टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स हैं 50। तो यहाँ पे आपको सबसे ईजीएस्ट वे में आप क्या कर सकते हैं, 0-0 गेट कैंसल्स और आपका रिमेनिंग जो बच जाएगा वो हो जाएगा आंसर 3/5। दैट मीन्स आपका 3:5, ये हो गया आपका आंसर। सो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू 3:5। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन इज स्नेहल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन दैट इज 2.20 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन। मतलब स्नेहल के पास रिबन है, एक रेड रिबन है जो कि 80 सेंटीमीटर का है और एक ब्लू रिबन है जो कि 2.20 मीटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कैसे सॉल्व किया था कि अगर एक रुपीज़ में है और दूसरा पैसे में है, तो या तो हमें दोनों को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो हमें दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, तो हमें पहले दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर रेशियो हम फाइंड करेंगे। सो लेंथ ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन का लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर एंड ब्लू रिबन का 2.20 मीटर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में हम यहाँ पे इसे 2.20 × 100 करेंगे ताकि ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर 220 सेंटीमीटर। देयरफॉर द रेशियो ऑफ the length
ऑफ द रेड रिबन, हमें रेड रिबन से ब्लू रिबन जो था उसका रेशियो फाइंड करना था. सो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेड रिबन टू दैट द ब्लू रिबन, ब्लू रिबन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेड रिबन अपॉन लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. अब हमें दोनों सेंटीमीटर में मिल चुके हैं, तो लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना मिला हमें, 80 सेंटीमीटर, और ये हमें मिला 220. सो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना है आपको, दोनों किसके टेबल से डिवाइड होंगे, तो 80 अपॉन 20. अगर हम दोनों को 20 से डिवाइड करेंगे तो दोनों ही 20 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. 20 20 कितनी बार में आएगा 20 के टेबल में, 84 बार में, और ये आपका 20 के टेबल में, सॉरी 220 आपका आएगा 11. सो आपका आंसर हो जाएगा 4:11. वैसे यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द हेंस द रेशियो, हेंस द रेशियो ऑफ द लेंथ of the length of red ribbon to that the blue ribbon is equal to 4:11. ये रहा फोर्थ क्वेश्चन. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, सॉरी ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था एक्चुअली. सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है, शुभम्स एज टुडे इज 12 ईयर्स एंड हिज फादर्स इज 42 ईयर्स. मतलब शुभम का एज अभी 12. नाउ शुभम का एज जो है वो 12 ईयर्स है और उसके फादर का एज है 42 ईयर्स. एंड शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर्स. और शुभम की जो मदर है वो और शुभम के फादर से 6 ईयर छोटी हैं. फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, तो हमें नीचे कुछ रेशियो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको इसके बेस पे रेशियो फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख लेते हैं, देन फिर हम रेशियो फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपको, शुभम का जो एज है शुभम्स एज टुडे इक्वल टू 12 ईयर्स एंड शुभम्स फादर्स एज, शुभम्स फादर्स एज टुडे कितना, उसके फादर्स का एज है 42 ईयर्स एंड शुभम्स मदर्स एज टुडे, मदर्स की, शुभम की जो मदर है उनके स्टेट सॉरी उनके एज में एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो शुभम की जो मदर है वो उसके फादर से 6 ईयर छोटी है, तो उसके फादर का एज कितना है 42 ईयर्स और शुभम की मम्मी उनसे 6 साल छोटी हैं, दैट मीन्स 42 - 6. अब जितना आंसर आएगा वो इनका करंट एज होगा, तो वो कितनी ईयर्स की हैं, 36 ईयर्स. नाउ अब हमको इस जितने भी कंडीशन है इसके बेस पे हमको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है, रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे.
मतलब कि आपको रेशियो फाइंड करना है जो शुभम का एज है उससे वो, और किससे फाइंड करना है, उसकी मदर्स का एज है उससे फाइंड करना है। तो रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो हम शुभम का एज लिखेंगे ऊपर, शुभम्स एज टुडे एंड अपॉन हर मदर एज, सॉरी अपॉन हिज मदर्स एज, मदर्स एज टुडे। अब शुभम का जो एज है वो कितना है, 12 ईयर्स, और उसकी मदर का एज कितना हमने फाइंड किया, 36। ठीक, तो यह तो आपको इसमें दिख रहा है कि दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 12 अपॉन 36 को आप डिवाइड कर दोगे 12 से, इसको भी डिवाइड करोगे 12 से। तो ये 12 के टेबल में 12 कितनी बार में आती है, 1, और यहाँ पे 12 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 3। सो 1:3। सो जो शुभम का एज है और उसकी मदर का एज का रेशियो है वो कितना मिला हमें, 1:3। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो, जस्ट रेशियो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे इज 4:2। कितना फाइंड किया था हमने, सॉरी इज 1:3। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे, मतलब शुभम की मदर का और उनके फादर का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज, टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे, फादर्स एज टुडे सो हम क्या लिख लेंगे, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो शुभम्स मदर्स एज टुडे एंड अपॉन शुभम्स फादर्स एज टुडे। तो शुभम की मदर का एज कितना है, 36, और शुभम के फादर का एज हमने कितना फाइंड किया था, 42। सो 36 अपॉन 42, दोनों ही 6 के टेबल से, 6 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर भी 6 लिखेंगे और नीचे भी। अब हमें देखना है कि 6 के टेबल 36 कितनी बार में आता है, 6 बार में, और ये जो 6 के टेबल में 42 7 टाइम में आता है, तो ये हो जाएगा आपका 6:7। देयरफॉर आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, द रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टुडे टू हिज फादर्स एज
टुडे इज 6:7। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड। ये थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको रेशियो फाइंड करना है शुभम की मम्मी का एज और जब शुभम 10 साल का था तब का। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका रेशियो। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ही हमें यहाँ पे कितना गिवन किया था, मतलब टुडे बोला है ना, टुडे मतलब उसका अभी का एज कितना है और वो 10 साल पहले जितने साल का था उससे हमको रेशियो फाइंड करना है। सो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड इक्वल टू प्रेजेंट ईयर उसका कितना है 12 और वो जब वो 10 साल का था तो कितना 10, डेट मीन्स वो कितने साल का होगा उस समय 2 साल का 2 ईयर्स। सो अब हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं और उसकी तब हमें जब हमने शुभम के एज को ऐसे डिफरेंस निकाला तो उसकी मदर का एज का भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देयरफॉर शुभम्स मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड। सो अभी उसकी मदर्स 36 की हैं और जब वो 10 साल का था तब उसका एज कितना था 2 साल। तो यहाँ पे 36 माइनस 2 करेंगे तो उसकी मदर का एज कितना आ जाएगा 34 ईयर्स। अब आपको इस नंबर इस सारे नंबर्स आपको फाइंड करने के बाद अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। नाउ द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड इक्वल टू 10/34। उसकी मदर का एज कितना फाइंड किया हमने 10 और जब शुभम 10 साल का था तब का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। देयरफॉर 10/34 दोनों के टेबल में आएगा 2। 2 के टेबल में 10 5 बार में आएगा और 2 के टेबल में 34 17। देयरफॉर 5:7। सो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर्स ओल्ड इज 5:17। सो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।